सेंटर लुक ठीक है बिल्कुल, खासकर बारिश में आई थिंक ट्रैफिक में बड़ी प्रॉब्लम होती है, पर मैं कभी कभी चल के जाता हूँ, भाग के जाता हूँ, साइकिल चला के जाता हूँ मैं, तो मैं दौड़ती हूँ. Okay, and I think because Flying Jatt has a very special space in Bollywood, क्योंकि एक सुपरहीरो फिल्म बहुत कम बनती है, and somebody like you so early on in your career, आपको एक सुपरहीरो वाली फिल्म मिली, I think it's a great, great feeling, isn't it? आप मेरे को प्लीज बताइए, जब आपको ये बताया गया था, आप कितने एक्साइटेड थे, घर जाके पंखा पकड़ लिया, जंप मारा, क्या किया? I think जहाँ तक मुझे याद है, बचपन से मुझे एक सुपरहीरो बनना था. मैं जब भी कुछ करता हूँ हकीकत में अपने आप को ये मान लेता हूँ कि मैं खुद एक सुपर हीरो हूँ, यू नो, जिस हिसाब मैं फाइट करता हूँ या नाचता हूँ या कूदता हूँ. सो या इट वॉज़ अ ड्रीम कम ट्रू व्हेन रेमो सर ऑफर्ड मी फ्लाइंग जेट. मुझे पता है एक एक्सपेक्टेशन है, एक प्रेशर है मुझ पर अभी, क्योंकि क्रिश के बाद, रावण के बाद, यू नो, इतने बड़ी बड़ी पिक्चर्स के बाद मैं एक सुपर हीरो किरदार निभा रहा हूँ, और सो अर्ली ऑन इन माई करियर. तो सफ़र बहुत मुश्किल रहा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा, पर आई थिंक हम दोनों ने बहुत मेहनत की है इस पिक्चर को लेकर, और आई थिंक वी आर क्वाइट हैप्पी विद द प्रोडक्ट. टाइगर, मैंने सुना है कि जीन्स में है सुपर हीरो ग्रीनेस. जी, अगर आपको शायद पता भी होगा, मेरे पापा ने एक सुपर हीरो पिक्चर की है बहुत पहले, शिवा का इंसाफ करके, 3D, वो इंडिया की पहली पिक्चर 3D पिक्चर थी. हाँ जी, सो या, यू नो, जैकलिन, आप तो मतलब यू इच टू डू समथिंग वेयर आपको अपने ऐसे स्किल्स दिखाने हो, तो जरा मीडिया की तरफ देखते हुए बताइए कि आपने कुछ बोला डायरेक्टर साहब से कि प्लीज मुझे भी कुछ कारनामे करने को बताइए. ये मेरा रिक्वेस्ट है, कोई डायरेक्टर है अगर एक सुपर वुमन फिल्म बनाएंगे तो प्लीज मुझे फोन कीजिए. इस फिल्म में कुछ दिखाने का मौका मिला इस फिल्म को? मैं कुछ एक्रोबैटिक एक्चुअली इस फिल्म में नहीं, क्योंकि टाइगर सब स्टंट्स और टाइगर एक्चुअली फ्लाइंग जेट है, तो ही इज़ द वन हु इज़ फ्लाइंग एंड डूइंग ऑल द स्टंट्स, सो एंड आई एम एक्चुअली, यू नो, द आई मीन द लव इंटरेस्ट, बट ऑल्सो लाइक आई एम द सिंपल कॉमन पर्सन इन द फिल्म, बट ट्रस्ट मी, ही डज एनफ फॉर लाइक all of us in the film. He does enough stunts, he has enough action. I mean, it's, the movie is action-packed like that way. And along with that, there's fantastic humor. So it was a lot of fun. थोड़ी देर में album launch होगा, लेकिन music plays a very special role in every actor's life. मैं चाहूँगी कि आप मीडिया को जरूर बताएं कि सचिन जिगर का music टाइगर आपकी आवाज में होगा क्या? सचिन जिगर का music. I think. सचिन जिगर जी ने बहुत बढ़िया म्यूज़िक कंपोज किए हमारी पिक्चर के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सचिन जिगर सर, इफ यू आर वॉचिंग. बट बहुत अलग अलग साउंड्स दे चुके इस मूवी के लिए. ही इज़ गिवन अस अ रोमांटिक ट्रैक, ही इज़ गिवन अस टू डांस ट्रैक्स, ही इज़ गिवन अस अ सैड ट्रैक, यू नो, एंड जस्ट आई थिंक दे हैव कवर्ड ऑल द इमोशंस थ्रू द म्यूज़िक, एंड बिकॉज द म्यूज़िक इज़ सो मेलोडियस, आई थिंक it just helped the actors emote better and express better in certain situations. So yeah, thank you so much. It was definitely, I've never seriously come across such interesting, unique music, the ones that Sachin Jigar have given for Flying Jatt, and you know, I think that they really kind of were able to understand the vibe of our film, the energy of our film, and which is, it's a fantasy.
So everything from the romantic track, even to the club song, to the title track, there's something kind of magical about it, and interesting and different, and that's what our film is. So seriously, big thank you to the musical composers, Sachin Jigar, and also Remo for putting this all together and working, you know, day in, day out to make sure that everything was right from the music. I'm sure media walon ke paas bahut sawal hain, so let's start. Who was extra excited? Arre, shuruaati papa ji ke saath hi hai. Flying jet to aap hai. Pehle question answer kar lete. So Tiger, Jacqueline, promotion going in full swing. My question is कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोग promote करने के लिए west में भी जाएं? Because Nathan has a good following there. So have you planned something to promote the film there also? We're in Dubai. That's a good question. Yeah, I think we are. That is part of the plan eventually. Halanki abhi filhal hum, it's the initial stages of the promotion, so we are more focused in you know, domestically. Pretty much everyone in the Maldives watches Hindi films, so like they are huge fans of our movies, and you know, of like all of us actually. So it was a really great welcome there, and you know, Flying Jet actually has a really interesting theme and a really important social message, which you know we are trying to kind of capitalize on, and that is about the environment and saving the environment, water, planting trees. And what I really loved about being in the Maldives right now actually was the fact that the Maldivians were really protective of you know, their oceans and you know, the marine life, you know. So even when we were diving down there, you know, in the water, and we were watching these beautiful creatures like the whale sharks, they were really, really protective of them. We couldn't go close to them, we had to watch them from a distance. And so it's amazing, because our movie actually is pretty much about that as well. We're trying to like really give across this message to everyone that, you know, we really have to take care of like our environment, our world, our climate right now. जैसे आपने कहा, इन सब इन सारे लोग मेरे इंस्पिरेशंस होते हैं इसमें, ऋतिक सर को लेकर मेरे पिताजी तक. एक एक्सपेक्टेशन है, जैसे मैंने कहा, एक प्रेशर है. बहुत तैयारी हो चुकी है इस मूवी को लेकर, आई थिंक एक्शन को लेकर, बॉडी लैंग्वेज को लेकर. सुपर हीरो टू कन्विंसिंगली लुक लाइक अ सुपर हीरो इन द कॉस्ट्यूम, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू वॉक, हाउ टू फ्लाई, मेरे लिए खासकर एक चैलेंज था. मैंने कभी हार्नेस इस्तेमाल नहीं किया. मुझे हमेशा लगता था कि यार, मैं बिना हार्नेस जंप कर लेता हूँ, फ्लिप कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ. पर हकीकत में हार्नेस को इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपका पूरी बॉडी बैलेंस, कंट्रोल, वेट किसी और के हाथों में है. तो आपको अपने आप को कैसे संभालना है, हाउ आर यू फ्लाइंग, यू नो, हाउ इज़ योर पॉस्चर, आपका पॉस्चर क्या है. तो it's not easy, you know, to stay in that posture. Tiger, the thing is, film is an action, but we see comedy also in that. How difficult it is like to do action along with comedy? Or bahut si jagah pe aapko hame Jackie Chan ki yaad dila rahe the. How much are you inspired of that? You're bang on actually. For this film, Jackie Chan was one of my references, you know, because he uses comedy so effortlessly with action. I think ye ek alag kisam ki superhero hai. He is he's a superhero with a twist, basically, you know. He's bahut hi normal sa ladka. He's scared of his mother. He has to do normal chores, you know. When he's out saving the world, suddenly he'll get a phone call from his mother and bring Lockie home. So she'll tell him to go to the market to pick up some things, you know. So sometimes he's embarrassed about that also, but bahut hi normal sa masoom ladka. Superhero ke costume mein pockets nahi hai na, to he can't carry money also when he goes, so sometimes he forgets too, so he doesn't know how to pay for his Lockie. Tiger, bahut sari superhero ki film bani hai Bollywood mein, Hollywood mein bhi, लेकिन ये आपकी फिल्म इस मायने में अलग है कि इसमें रिलीजियस एंगल दिया गया है, रिलीजियस ट्विस्ट दिया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि नाम से भी जाहिर होता है, टाइटल से, फ्लाइंग जेट. हाँ जी. तो इसमें रिलीजियस ट्विस्ट दिया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे?
बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरी पंजाब बहुत प्राउड फील करेंगे इस मूवी को देखकर. एंड रेमो सर ने होमवर्क कर चुके, यू नो ही स्टडीड द होल रिलीजन सिखिज्म कम्प्लीटली, एंड वी शोन अ पंजाबी कम्युनिटी इन बॉम्बे ऑल्सो आ फिल्म, तो वो सब बहुत खुश थे पिक्चर को लेकर. और या सो आई थिंक वी आर सेफ, वी आर हैप्पी. एक और सवाल कि आपने जैसे कि बताया कि आपके फादर की फिल्म शिवा का इंसाफ आपने देखी है, हाँ जी, बचपन से आपने कौन कौन से सुपर हीरोज को आपने एडमायर किया है, और क्या आपने सोचा होगा कि मैं भी कभी बचपन में हम सब फैंटेसाइज करते हैं कि हम ऐसा करें वैसा करें, आपने किस सुपर हीरो को देखकर कभी कुछ ऐसा सोचा होगा पावर्स के बारे में? बचपन से मैं स्पाइडरमैन का फ़ैन था सर, क्योंकि मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा इंसानियत उनमें है. इज़ वेरी ह्यूमन, इज़ वेरी मॉर्टल, तो उनको चोट भी लगती है, उनको उनकी जो हकीकत सिचुएशन है बहुत पोअर बैकग्राउंड है उनका, पर जब कॉस्ट्यूम पहनते वो सब भूल जाते हैं जो भी सोसाइटी के जितने भी प्रेशर्स हैं उन पर. He's just a different guy and he's just living his life, you know, and he's just a boy saving the world. So I really like that aspect. Aur ek din main Spider-Man bhi banna chahta. Spider-Man, what about you? Tiger, this is the best compliment that I have received up till now for this film. Oh, the best compliment for the film. I think this film actually, I mean, from what I've been just hearing from the trailer that we've launched and stuff, is it's making people laugh. And I love that, because you know, it's like we've created a superhero and a superhero film, but at the same time we're here also to entertain people. And I love the fact that, you know, like people are really kind of connecting to the superhero, and you know, through Tiger and stuff, because there's humor, and then there's like a funny aspect to it, where like maybe, you know, it's possible that the superhero doesn't really know what he's doing and he's just thrown into the situation. So I think that was like something accomplished for us. Jacqueline, you are one of the favorite actually in Eid. Wo ek number 1 ke paidar pe chal rahi ho, you आपको वो एक लुक भी दे रही है उसके साथ. बहुत अच्छा है. What did you say about like you just growing up actually, वो जैसे number 1 बोलते हैं हम लोग, मैं एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैंने बहुत मेहनत किया, और शुरू से अभी तक, यू नो, इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी. एंड शुरू में एक्चुअली आई वाज अ लॉट ऑफ द टाइम सिटिंग एट होम विथ नो वर्क. सो अभी बहुत काम है, बैक टू बैक फिल्म्स है, एंड अमेजिंग एक्टर्स के साथ काम करती हूँ, डायरेक्टर्स के साथ काम करती हूँ, बिग प्रोडक्शंस के साथ. लेकिन इट्स स्टिल अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड इट्स बिकम इवन मोर चैलेंजिंग नाउ, बिकॉज आई नीड टू कीप काइंड ऑफ आई नीड टू कीप राइजिंग, एंड यू नो, स्पेशली विद माय फैंस एंड फॉलोअर्स, यू नो, गिविंग देम न्यू थिंग्स, गिविंग देम अ डिफरेंट साइड ऑफ मी, गिविंग देम डिफरेंट मोर चैलेंजिंग रोल्स, यू नो, परफॉर्म बेटर. सो बट at the end of the day, we love what we're doing, you know, and you know, we do a lot for our fans and, you know, people who follow us, and that's the most important thing, to get their gratification. Okay, last question. So thank you. Sorry. Flying Jet? अभी तक नहीं, अभी तक पूरी edit नहीं हुई sir. तो last question. Tiger, talking back to my question, which is the best compliment that you've received up till now? There's so many, really. I don't want to point out, but see, I'm a big fan of Hrithik Roshan. और वो original superhero है. तो when the original superhero says, when he tweets for you and says, you know, I was totally surprised by this, and I'm so looking forward to watching you guys' film. Yeah. So you know, we were so happy. Yeah, that was so sweet of Hrithik sir. Okay, Tiger, checking last question. There's a trend going on. The end of it's flying jet also. But you have to ask the question like this. Yes. दो ही जन गए ना. अच्छा राइट. आई डोंट नो आई थिंक okay, so wow, this is amazing. No, but I honestly, I think that, you know, for us as artists,
it's not about, we don't want to limit ourselves in any way. I think if we get opportunities, like even to, for us to be in like a Chinese movie or for us to be in a British production or Hollywood, it's fantastic for us as actors or as artists, because we get to kind of experiment and challenge ourselves and do different things. So there's no, I mean, like, it's a fantastic opportunity if you get the opportunity to. But on saying that as well, I mean, you know, we're doing some great work here as well, and we're working with such amazing talents here as well. So, you know, it's about, I think, you know, balancing the two, or if you, or take up opportunities when you get the chance to take up opportunities. But ये challenge हम लोगों को देंगे, I'm sorry, I'm not saying it right. Tiger, तो मैंने start किया है. My answer also was. Yeah, your answer was correct. But my answer. Tiger, he has to be able to say something. You know, I think, why not? But as of now, I think we should be proud of our industry, you know, and it's, Bollywood is a bigger industry than the Hollywood industry. As I think we make more films every year, and it's growing. And it's growing every year, and you know it, the reach and exposure is growing. So through, I'm very, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ क्योंकि Bollywood films को बहुत सारा exposure मिलता है worldwide. So you know, if people get to see our films worldwide, they'll probably notice, you know, Jacqueline's talent or another actress's talent or you know an actor's talent. But because of this industry, you know, being such a explosive medium, you know, throughout the world, I think because of this industry we might get chances to go and try out different cinema, which is lovely. Yeah. Bless you, Jai Hind at that. Now I'm going to ask them a bahut khoobsurat challenge hai jo sab log hame dekh rahe hain, wo ye dono mujhe dene wale hain pehle kyunki radio city pe ye ho raha hai. So we'll start this challenge. You'll have to tell the world, announce it to them, aur jo bhi humko internet pe kahan bhi dekh rahe hain, they'll have to take it up. Are you guys ready to announce it? Ready. All right, go for it. Okay, so today we're launching our song Beat Pe Booty, and what we would love all our viewers, audience, fans, followers to do is to send us their version of Beat Pe Booty. Our hook step, of course, if you can do it, it's a bit tricky. We'd love to see your attempt or you trying to do it, and if you excel at it, then even better, you might get a post or a gift. Jacqueline is very, we're working on that. Tiger, abhi you'll have to lead, take a lead, kyunki main ye karne wali hu, lekin mujhe khud ehsaas nahi main kya karungi, to pehle thoda dikha do mujhe, fir main shuru karungi. Okay, done. Hum dono dikhayenge aapko. Okay, done. Still dikha de beat pe booty, beat pe booty, beat pe booty, dikha de beat pe booty.